Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. Guys, Vivo की सब ब्रांड का एक ऐसा स्मार्टफोन iQOO 3 जिसकी आजकल काफी ज्यादा हाइप क्रिएट होना शुरू हो चुकी है और इसका लैंडिंग पेज Flipkart पर आ चुका है और ये फोन 25 फरवरी को इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा और इस फोन का सीधा कॉम्पिटिशन होगा Asus ROG Phone 2, OnePlus 70 और Samsung Galaxy S10 Lite जैसे स्मार्टफोन से। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस फोन से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन और डिस्प्ले के साथ। इस फोन की जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा प्रीमियम होने वाली है। फ्रंट और बैक में ग्लास की कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी और सेंटर में जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम होने के चांसेस हैं। फोन के राइट हैंड साइड पर वॉल्यूम रॉकर बटन और पावर ऑन ऑफ की देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 6.44 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी और ये एक सुपर एमोलेड पैनल है। लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, ऑल्सो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। ऑन पेपर देखा जाए तो इस फोन की डिजाइन और डिस्प्ले काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं। डिजाइन और डिस्प्ले के साथ साथ कंपनी ने परफॉर्मेंस पर सबसे ज्यादा फोकस किया है और वो भी गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर। ये फोन Qualcomm Snapdragon 865 पर होगा जो कि Qualcomm का सबसे ज्यादा पावरफुल चिपसेट है और 2020 का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बेस्ड है और इसकी क्लॉक स्पीड है 2.84 गीगाहर्ट्ज और ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। उसके साथ एड्रेनो 650 का GPU देखने को मिलेगा जो हैवी ग्राफिक्स वाली गेम को रन करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। फोन के वेरिएंट्स की बात करें तो ये फोन 3 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च हो सकता है, 6GB रैम, 8GB रैम और 12GB रैम। 6 और 8GB रैम वाला जो वेरिएंट है वो 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ होगा और जो 12GB रैम वाला वेरिएंट है उसमें 256GB इंटरनल स्टोरेज होगी। 6 और 8GB रैम वाला वेरिएंट 4G में लॉन्च हो सकता है और 12GB रैम वाला वेरिएंट 5G में लॉन्च होने के चांसेस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 के साथ होगा विथ वीवो फन टच UI। वहीं अगर हम बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो 4370 mAh की बैटरी होगी विथ 55 वॉट फास्ट चार्जिंग, जिसकी वजह से ये फोन घंटों में नहीं मिनटों में फुल चार्ज हो जाएगा। अगर हम बात करें कैमरास की तो यहां पर रियर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप होगा। लीक्स के अकॉर्डिंग 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। उसके साथ साथ सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा स्लो मोशन, AI इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स आपको काफी सारे देखने को मिल जाएंगे। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो USB टाइप सी पोर्ट, ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3.5mm ऑडियो जैक और NFC जैसी चीजें भी देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में जिन चीजों की जरूरत होती है हर वो चीज मोस्ट ऑफ बेसिस पर यहां पर प्रोवाइड की गई है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये फोन का 4G वेरिएंट 35,000 के आसपास लॉन्च होगा और 5G वेरिएंट 50,000 के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कंपटीशन को देखते हुए इस फोन की क्या प्राइस होनी चाहिए और क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।